नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ गरिमा भारती। आज हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश सिन्हा हैं, जो कि पारस अस्पताल में पल्मोनरी मेडिसिन में सीनियर फिजिशियन है। इनसे हम कई सारी जानकारियाँ तो लेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। सर, आपका लाइव सिटीज में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश सिन्हा हूँ। मैं पटना के पारस HMRI हॉस्पिटल में सीनियर चेस्ट फिजिशियन हूँ और यहाँ मैं विगत 9-10 साल से कार्यरत हूँ और यहाँ पर जितने भी चेस्ट के पेशेंट्स हैं सबको मैं देखते चला आया हूँ। जी सर, जब हम पल्मोनरी मेडिसिन के बारे में सुनते हैं या फिर पल्मोनोलॉजिस्ट के बारे में सुनते हैं, तो ये कौन सा विभाग है? आप एज अ डॉक्टर किन किन चीज़ों को ट्रीट करते हैं? देखिए, पल्मोनरी मेडिसिन मतलब होता है कि चेस्ट फिजिशियन। मैं यहाँ पर चेस्ट फिजिशियन हूँ और यहाँ पर चेस्ट से रिलेटेड, फेफड़ा से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ हैं जिन लोगों को होती हैं सबको मैं देखता हूँ। फेफड़ा से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिसमें कि नमूनिया है, या तो नमूनिया लंग्स में नमूनिया होता है, नमूनिया का हो गया, COPD हो गया, ILD हो गया। लेटेस्ट में है 2-3 साल से जो कोविड चला है, कोविड वायरस का जो इन्फेक्शन है वो लंग्स को ही इन्वॉल्व करता है प्राइमरीली, तो वो हम ही देखे हैं यहाँ पर। और उसके अलावा बहुत सारी बीमारियाँ हैं, ILD है, नमूनिया है जैसे मैंने बताया आपको, फिर न्यूमोथोरेक्स है, फेफड़ा मुँह से खून आना, अगर फेफड़े की शिकायत है, फेफड़े में कोई लीजन है तो मुंह से खून आता है, तो इससे बहुत सारी बीमारियां हैं, अनगिनत है, फेफड़ा में पानी होना, और उन सब बीमारियों को हम लोग देखते हैं और उसके सारे पेशेंट को एक डायग्नोसिस बना के देते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है और कैसा इलाज चलेगा, आपको कितने तक इलाज चलेगा आपका। जी, बात अगर हम पारस हॉस्पिटल की करें तो पारस अस्पताल अपने आप में एक बड़ा अस्पताल है, लोग दूर दूर से इलाज करवाने के लिए आते हैं। आपके डिपार्टमेंट में जब लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं, कोई बहुत बुरे कंडीशन में, कोई बहुत ख़तरनाक कंडीशन में, तो आप उन्हें कैसे डील करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, तुरंत कौन सा उपचार उन्हें दिया जाता है? देखिए, चेस्ट से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ जो होती हैं, अगर पेशेंट को पहले से दमा की शिकायत है, ब्रोंकल आजमा हो, COPD हो, ILD हो, या निमोनिया जो भी परेशानी है, अगर वो हफ्ते में आते हैं हमारे पास तो हम लोग पहले जज करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, OPD में देखते हैं, अगर लगता है कि नहीं इन्हें एक एडमिट करने की ज़रूरत है तो उसको पहले हम लोग इमरजेंसी में भेजते हैं। इमरजेंसी में हमारे डॉक्टर हम 24 आवर रहते हैं और वो लोग पहले ABG वगैरह करके देखते हैं, हम लोग देखने के बाद एक तुरंत एक्सरे करवाते हैं और प्राइमरली देखते हैं कि चेस्ट में इन्वॉल्वमेंट है तो कैसा इन्वॉल्वमेंट है, कितने लंबे समय से है और क्या उसका भी इलाज होना चाहिए, उसका भी इलाज बताते हैं हम लोग, जिसमें कि ABG हो गया, एक्सरे हो गया, ECG हो गया, शुगर हो गया, तो इससे मोटा मोटी का आइडिया मिल जाता है कि पेशेंट को क्या परेशानी है या क्या परेशानी हो सकती है या क्या किस तरह की परेशानी से पेशेंट अभी जूझ रहा है। उसके साथ ही हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं अपना, एडमिशन के लायक अगर है तो, अगर वार्ड के लायक है तो वार्ड में, अगर ICU के लायक है तो ICU में एडमिट करते हैं। फिर उसके अनुसार फिर हम लोग अपना ट्रीटमेंट प्लान बताते हैं पेशेंट के अटेंडेंट को, पहले बीमारी बताते हैं कि आपके पेशेंट को इस फलना इस तरह की बीमारी है जो संभावित है या जो स्टेब्लिश्ड है, उसके अनुसार फिर जाँच बताएँगे इस तरह की जाँचें होनी है इनकी, और जाँच के बाद जैसा जो होता है रिपोर्ट आता है उसके अनुसार हम दवाई को मॉडिफाई करते हैं और फिर एडमिट करके पेशेंट को, अटेंडेंट को समय समय पर सुबह शाम तो राउंड लेते ही हैं, उसके अलावा कुछ दिक्कत होता है तो OPD बुला के उनसे हम लोग बातें करते हैं। जी, आपने कहा कि कोविड के वक्त में भी बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे थे, तो कोविड की जब दूसरी या तीसरी लहर आई थी तो लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी और मतलब ज़्यादातर जो दिक्कतें थी वो फेफड़े से जुड़ी हुई, तो उस समय में आपने किस किस तरह के पेशेंट्स का इलाज किया, कैसे कैसे पेशेंट्स आपके पास आ रहे थे? देखिए, कोविड में मैंने जितना इलाज किया, मैंने बहुत सारे पेशेंट देखा, मैंने 100% 150% पर डे मैं देखते चला रहा था और ज़रा सा आभास नहीं हुआ मुझे कि मुझे भी डर का ज़रा सा आभास हुआ नहीं उस समय, और वार्ड में भी और ICU में भी काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे एडमिट थे, सबका सुबह शाम राउंड लेना, उसके बाद फिर पेशेंट को OPD में देखना, तो ये अपने आप में बहुत एक चैलेंजिंग जॉब था उसमें हमारे लिए। पिछले 2 साल से मैं लगातार देखते चला आया, अभी भी देख रहा हूँ, अभी भी 4-5 पेशेंट हमारे एडमिट हैं कोविड में, वार्ड में, ICU में एडमिट हैं और स्टिल अभी तक लोग फाइट कर रहे हैं कोविड से, और भगवान का शुक्र है कि मैं अभी तक सही सलामत हूँ और मैं पेशेंट देखते चला आ रहा हूँ। बट हाँ, प्रिकॉशन लेता हूँ, मैं भी लेता हूँ, बाकी सबको बोलता भी हूँ कि कोविड जो बीमारी है जब ये आ गया है तो इसे रिस्पेक्ट देना चाहिए। जो लोग, जिन लोगों ने रिस्पेक्ट नहीं दिया, जिन लोगों ने इसे नेगलेक्ट किया, लाइटली लिया, मतलब कि नेगलेक्ट किया जिन लोगों ने, वो लोग फंसे हैं,
और उन लोग में बीमारी की गंभीरता जो है बढ़ती चली गई है, बाद में उन लोग को आईसीयू में हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ी है। तो कोविड में जो सांस की परेशानी हुई है, पहले जिस तरह से लोग को हुआ तो लगा नहीं ये तो सही है, चार दवाई से ठीक हो जाएगा, बुखार का दवाई खा लो, जिंक खा लो, विटामिन सी खा लो, एक आध सिंपल एंटीबायोटिक खा लो, बीमारी ठीक हो जाएगा। नहीं, ये वैसे नहीं है, ये बीमारी बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। ये पैन वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड जितने लोग का डेथ हुआ है आज तक, इस तरह की बीमारी से इतने लोग का डेथ नहीं हुआ था, जितना त्राहिमाम मचा है वो पहले वर्ल्ड में इस तरह से नहीं हुआ था। तो वही बात है कि अगर आप जागरूक नहीं हैं, अपने आप को आप देख नहीं, जज नहीं कर पा रहे हैं, जितने लोग डायबिटीज़ वाले थे वो लोग बहुत बुरी तरह से फंसे थे, क्योंकि कोविड का मेन दवाई होता है स्टेरॉयड, स्टेरॉयड जब स्टार्ट करते थे हम लोग तो पेशेंट का शुगर लेवल बहुत अप एंड डाउन होता था, तो उससे बहुत हम लोग की परेशानियाँ होती थी, किसको कितना स्टेरॉयड देना है, कैसे देना है, बहुत तरह की बातें उठती थी। खैर वो तो डिपेंड करता है कि आपका लंग्स कितना इन्वॉल्व है, उसके अनुसार ही स्टेरॉयड का डोज को टाइटेट किया जाता है। बट कोविड के दिन में जो 2020 से जो स्टार्ट हुआ, 2020 में स्टेरॉयड का बहुत किल्लत भी हो गया था, 2022 में बहुत किल्लत हुआ था, बट स्टिल जैसे जैसे मिला, जैसे जैसे पेशेंट ठीक होते गए, स्टेरॉयड के डोज को हम लोगों ने कम करते गया, और अब तो जितने ही पेशेंट हमारे फॉलोअप रहे, जितने ही पेशेंट को मैंने ट्रीट किया वो लोग आते हैं, उनका लंग्स करीब करीब 90 से 99% पेशेंट का लंग्स बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो है कोविड है एक, ये डिजीज़ को हम क्योर कर सकते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है डिजीज़ को हम क्योर कर सकते हैं, ये डायबिटीज़ हाइपरटेंशन इस तरह की बीमारी नहीं है जहाँ की बीमारी को क्योर नहीं, जहाँ की बीमारी को ट्रीट किया जाता है। तो डर तो था कोविड में, बट स्टिल खुशी इस बात की होती है कि हमारे मैक्सिमम परसेंट 90% पेशेंट हमारे क्योर हुए हैं। सर, कोविड की चर्चा तो 2020 या फिर उसके बाद से शुरू हुई, लोगों ने उसे जाना कि ये क्या बीमारी है, लेकिन आपका जो इतने सालों का अनुभव रहा इस डिपार्टमेंट में काम करने का, तो आपको क्या लगता है कि पहले लंग्स के जो पेशेंट्स थे या फिर सांस संबंधित परेशानियों के जो पेशेंट थे वो कम हुआ करते थे, अभी के दिनों में जैसा पोल्यूशन बढ़ गया, लोगों की स्मोकिंग हैबिट और ट्रांसपोर्ट का इतना जो दिक्कत हुआ है उसकी वजह से पेशेंट्स की संख्या बढ़ी है इस विभाग में? देखिए पहले लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोग मास्क बहुत कम लोग यूज़ करते थे, हम लोग भी हॉस्पिटल में जब कोई प्रोसीजर करने जाते थे तो मास्क यूज़ करते थे, और बाकी जनरल पब्लिक तो कोई मास्क यूज़ करते नहीं थे। तो पहले ये चीज़ जागरूकता नहीं थी कि धुआं से, धूल से, और जिसे अगर सपोज किसी पेशेंट को अगर कोई बीमारी है, खांसी की लंग्स की बीमारी है, तो खांसने में क्या होता है कि जो कॉफ जो बाहर निकलता है, जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं, उससे बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये केवल सिंपल बैक्टीरिया नहीं हो सकते हैं, ये ट्यूबरक्लोसिस के भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये वायरल न्यूमोनिया के भी ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं। तो पहले लोग में ये जागरूकता नहीं थी, बट अब लोग जागरूक हो गए हैं, जहाँ तहाँ लोग कोई खांसते हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं तुम डॉक्टर से दिखाओ, तुम्हें खांसी 7 दिन से ज़्यादा हो गई, तुम अच्छी कुछ किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाओ, तो लोग आते हैं, हम लोग बात देखते हैं, हम लोग जज करते हैं, हम लोग है। तो पहले की तुलना में अब जो है लोग थोड़ा जागरूक हुए हैं, मास्क कम से कम लगाते नहीं, कम से कम पॉकेट में या गर्दन में लटका के जरूर घूमते हैं, और जहाँ पर होता है किसी पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में या किसी उस प्लेस में जाते हैं तो मास्क लगाते जरूर हैं। तो थोड़ा सा जागरूकता हुआ है पब्लिक में, ये अच्छी बात है, क्योंकि कोविड के अलावा बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो कि ड्रॉपलेट से होती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, नमोनिया हो गया, बैक्टीरियल नमोनिया हो गया, वायरल नमोनिया हो गया, तो ये सब बीमारी जो है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही होती है। तो कॉशन तो लेना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए लोग को, और पहले की तुलना में जो कोविड जो हुआ उस समय, क्योंकि टीबी एक, इसके अलावा टीबी कोविड के बाद टीबी जो है बीमारी की संख्या जो है अभी जो देख रहे हैं हम, मरीजों की संख्या कुछ बढ़ी है, तो जो जिन लोगों का लंग्स कमज़ोर है, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उन लोग को ही कोविड अटैक किया है, और उन लोग को ही इस तरह की बीमारियाँ का अटैक होता है, चाहे टीबी हो गया, चाहे सिंपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। तो लगाना चाहिए, मास्क लगाइएगा तभी आप एक दूसरे को बचा सकते हैं और अपने आप को भी आप बचा सकते हैं। जी सर,
अंतिम में मैं पूछना चाहूँगी कि जब कोई पारस अस्पताल में इमरजेंसी कंडीशन में आपके विभाग में आता है तो सबसे पहले उसके साथ क्या किया जाता है? क्या ऐसा सिस्टम है कि कतार में खड़े रहिए, पहले फीस भरिए, 1000 फॉर्म भरिए, उसके बाद आपका इलाज शुरू होगा? मतलब क्या करते हैं अगर कोई बहुत बुरे क्रिटिकल कंडीशन में आपके पास आता है? देखिए, हमारे हॉस्पिटल में जो भी क्रिटिकल पेशेंट आते हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है हॉस्पिटल से। अलग अलग नहीं, मतलब कि हॉस्पिटल्स के एक छोर में बना हुआ है इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। वहाँ जो लोग इमरजेंसी के रूप में आते हैं या हमारे ओपीडी से आएँ चाहे बाहर से आएँ, तो वहाँ पर हमेशा 24/7 आवर्स डॉक्टर वहाँ तैनात रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ रहते हैं। वो लोग तुरंत पेशेंट को एक बेड देते हैं इमरजेंसी में ही, और 60 मिनट तक जो भी पेशेंट का जो भी इलाज होता है तो उसका पैसा लगता नहीं, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। पहला टारगेट होता है इमरजेंसी के डॉक्टर्स का कि पेशेंट को स्टेबलाइज करें, जिस भी कंडीशन में आए तुरंत बीमारी को पकड़ें, बीमारी को समझें और जो भी डेफिसिट है तुरंत पूरा करें, और उसके बाद पेशेंट के अटेंडेंट से बुला के बताएँ कि भाई ये बीमारी है, इसमें या तो आप एडमिट कीजिए या आप घर ले आके इससे दवाई खिलाइए, पेशेंट आपके ठीक हो जाएंगे। एडमिशन के लिए उन्हीं को बोला जाता है जो कि सिक होते हैं, ज़्यादा सिक होते हैं, और बाकी जो भी नॉर्मली किन्हीं को एक्यूट फेज में जो आते हैं अगर वो ठीक ठाक हो जाते हैं 1 से 2 घंटे में उन्हें घर भेज दिया जाता है। और इमरजेंसी में जो पेशेंट आते हैं, जो सिक पेशेंट भी या जो एक्यूट कंडीशन में आते हैं, उनको उसके जो डॉक्टर्स होते हैं, जो उनके रिलेटेड कंसल्टेंट होते हैं, उनको ज़रूर से बुला के दिखवाया जाता है, और 1 घंटे के अंदर कोई पैसा लगता नहीं है। सर, तमाम जानकारियाँ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, नमस्कार। तो आपने डॉक्टर प्रकाश सिन्हा को सुना, इन्होंने तमाम जानकारियाँ दी पल्मोनरी मेडिसिन से जुड़ी हुई कि ये क्या होता है, कैसे इसमें बीमारियाँ होती हैं और कैसे इसका इलाज संभव है, और बीते कुछ सालों में कैसे इस क्षेत्र में बीमारियाँ बढ़ी हैं और कैसे इसे रोक पाना संभव है, ये तमाम जानकारियाँ इन्होंने दी है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।